सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं फिजिक्स वाला के बारे में। तो अभी ना कुछ आर्टिकल आया जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि फिजिक्स वाला को जो है 100 मिलियन डॉलर का फंडिंग मिला है, जो कि होता है 700-750 करोड़ रुपए। तो उस चीज के ऊपर जो है अमन धतरवाल भी रिएक्ट किए श्वेता गांगवार के पॉडकास्ट पर। यस, वो क्या कहे इसके बारे में आप खुद देखिए। मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि भाई अब तो पीडब्ल्यू ने भी 700 करोड़ रुपए उठा लिए हैं, ऐसे न्यूज आ रही है। कौन है पीडब्ल्यू? फिजिक्स वाला, देयर इज अनदर पर्सन, ओके, ही इज आल्सो। तो आर्टिकल्स आए हैं कुछ, राइट, कि 700 करोड़ का फंडिंग उठाया गया, क्योंकि मुझे पता है यार ये 4000 फॉर व्हाट, फॉर दीस कोर्सेज। ओके ओके, मतलब जैसे कि तुम्हारी एडटेक में ही स्टार्टेड हिज ओन प्लेटफॉर्म। ओके, तो क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है यार, आपको क्या करना होगा, आपको ऑल टाइम सोशल मीडिया सुपर एक्टिव रहना पड़ेगा, जिससे कि आप एटलीस्ट बहुत सारे बच्चों को रीच कर रहे हो, तब जाके आप उतनी लो कॉस्ट पे का चीज निकाल। क्या है उनकी कॉस्ट कोर्सेज की? कॉस्ट जैसे मतलब हमने अभी 800-900 रुपए का भी निकाला है और हमने 5000 का भी निकाला है, जीएसटी इंक्लूडेड होता है, तो आप यूं मान लो कि 600 से 4000 की रेंज के बीच। तो क्या वो भी तुम्हारी तरह ही जो पीडब्ल्यू ब्रांड है वो भी उतना ही डिसरप्टिव है? हाँ, क्योंकि सेम प्राइस रेंज है। ओके, तो सेम प्राइस रेंज में। तो तुम लोग जैसे हो गए, तो तेरा ब्रांड हो गया, इनका ब्रांड हो गया, इन लोग से एडटेक में फर्क तो पड़ता ही होगा ना बहुत ज्यादा, कि ये लोग साले इतने कम प्राइस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। बहुत ज्यादा पड़ता है, ऐसी थोड़ा ना कोई 700 करोड़ की फंडिंग दे देते हैं। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, कैरी मिनाटी के बारे में। तो आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले कैरी मिनाटी को जो एचटी ब्रंच के कवर में फीचर किया गया था, उसके बाद जो उनका आर्टिकल भी आउट हुआ था एचटी ब्रंच के वेबसाइट पर, जहां पर काफी सारी चीजों के बारे में बात की। मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको पढ़ के सुना देता हूं। वहां पर वो बताते हैं कि जो क्रिटिसिज्म रहता है, जितने भी लोग ये बोलते हैं कि गाली देता है, वैसे टाइप के जो भी लोग बोलते हैं उससे उनको उतना फर्क नहीं पड़ता, बट जब कोई ये बोलता है कि तुम्हारा कॉन्टेंट अच्छा नहीं था, जो वीडियो तुम अपलोड किए वो अच्छा नहीं था, वो चीज उनको ज्यादा इफेक्ट करता है। यहाँ पर वो ये भी बताते कि उनके पेरेंट्स जो ये समझते हैं कि वो जो एक वीडियो है वो एक परफॉर्मेंस है, वो एक कंटेंट है, एंड वो चाहते हैं कि जो भी लोग उनसे पूछते हैं कि तुम ऐसे टाइप के वीडियोस क्यों बनाते हो गाली वगैरह देके, वो ये समझे कि ये सब जो स्क्रिप्टेड रहता है, रिहर्स रहता है एंड परफॉर्म्ड रहता है। ऑल्सो उनके पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ कहे थे, ही डज एक्नॉलेज हिज पेरेंट्स एज ए सेंसर बोर्ड बट इज ग्रेटफुल दैट दे अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन परफॉर्मेंस एंड रियलिटी। सो यस, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? एंड अगर आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके पढ़ सकते हो। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, टेक्नो गेमर्स के बारे में। तो टेक्नो गेमर्स कल अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए थे, वेलकम टू माई माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड। तो वीडियो जो उनका एज रेस्ट्रिक्टेड हो गया। यस, एंड ये वीडियो काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था। आप देखिए इसके बारे में वो क्या कहे। यार, मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि माइनक्राफ्ट में ना कुछ नया करते हैं, तो मैंने माइनक्राफ्ट में हार्डकोर सीरीज स्टार्ट करी और उसका फर्स्ट एपिसोड डाला, वीडियो ट्रेंडिंग पे भी गई, बट 3 घंटे बाद एज रिस्ट्रिक्ट, वीडियो गायब, मतलब चैनल पे है बट सजेशन से गायब। तो इसलिए काम करो, यहाँ पे लिंक आ रहा है, इस पे टैप करो और जल्दी से जाके वीडियो को देखो, लाइक कमेंट करो, शायद थोड़ी देर में हट जाए एज रिस्ट्रिक्शन से, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है नहीं, कोई ग्लिच होगा यूट्यूब का। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, अभी एंड न्यू के बारे में। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनके कंटेंट को डाउनलोड करके बहुत सारे अलग अलग शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स में अपलोड करते हैं। उसके बारे में वो लिखे, हे एवरीवन, पीपल टोल्ड अस दैट अदर्स आर डाउनलोडिंग आवर कंटेंट एंड पोस्टिंग इट ऑन अदर शॉर्ट फॉर्म प्लेटफॉर्म्स यूजिंग द सेम नेम अभी एंड न्यू। वी रिक्वेस्ट एनीवन हु इज डूइंग दिस टू ऐड एटलीस्ट फैन पेज टू द अकाउंट नेम एंड नॉट टू यूज आवर ओरिजिनल नेम। वी आर अप्रोचिंग द प्लेटफॉर्म टू रिकवर आवर नेम एंड द प्लेटफॉर्म मे डिलीट दिस फेक अकाउंट्स Unless the name is changed. If you are one of them, please change the name yourself. जैसे कि वो बताए, वो सारे उन प्लेटफॉर्म्स पर बता दिए, तो जितने भी लोग उनका फेक नेम यूज करके से कंटेंट वगैरह अपलोड कर रहे हैं, उनका अकाउंट जो है डिलीट भी हो सकता है, इससे पहले ही वो अपना नेम चेंज कर ले ताकि सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाए। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, मनोज डे वर्सेस सौरभ जोशी के बारे में। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले सौरभ जोशी जो मनोज डे को ब्लॉक किए थे, क्यों ब्लॉक किए थे ये तो आपको पता होगा, मैं अपने वीडियोज में कवर कर चुका हूं। तो अभी का अपडेट ये कि मनोज डे को जो है सौरभ जोशी ने अनब्लॉक कर दिया। इसके ऊपर मनोज डे रिएक्ट किए, वो लिखे, सौरभ जोशी भाई अनब्लॉक, बहुत खुशी हो रही है, जो कभी कंट्रोवर्सी थी नहीं उसको लोगों ने कंट्रोवर्सी बना दिया, बट कोई नहीं, आपके हार्डवर्क को हमेशा अप्रिशिएट करता हूं। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम का जो एक सर्जरी हुआ है, अब क्या सर्जरी हुआ था उसके बारे में तो अपडेट नहीं दिए, वो लिखे, लाइफ चेंजिंग सर्जरी डन, जैसे कि वो ये वाला इमोजी दिए, तो इसका मतलब सर्जरी अच्छा गया है। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, अमित भराना के बारे में। तो एक फिल्म आया अभी 10वीं करके, जो कि अभिषेक बच्चन का है, वहां पे जो एक डायलॉग यूज किया गया था जो कि सिमिलर था अमित भराना के डायलॉग से। यस, मैं आपको पहले वो मूवी का डायलॉग दिखाता हूं, एंड देन फिर आपको अमित भड़ाना का क्लिप दिखाता हूं जो कि काफी सिमिलर है। जहर
कहता ही जहर। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए अमित बनाना के मैनेजर धीरज एक स्टोरी पोस्ट किए थे, फीलिंग प्राउड व्हेन समथिंग इज इंस्पायर्ड बाय क्रिएटर सेगमेंट इन बॉलीवुड मूवीज। अमित बनाना कहते ही जहर है, ये डायलॉग देखो कहाँ चला गया। फिर अमित बनाना उसको रिपोस्ट किया, लिखे मैंने बोला चाहने वालों ने पॉपुलर कराया, सब प्यारे लोगों का दुनिया में छाएंगे एक दिन। फिर वो लिखे सीखते चलो सिखाते चलो आगे बढ़ते चलो दोस्त, जो बीता वो बहुत अच्छा बनाओ, जो आएगा वो बेहतरीन बनाओ, शुभ रात्रि। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कीजिए, मिथ पैक के बारे में। तो अपने इंस्टाग्राम पर Q&A कर रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि आपका अश्निल ग्रोवर के साथ जो है पॉडकास्ट कब आएगा। आपको पता होगा उनका अमन गुप्ता के साथ ऑलरेडी एक पॉडकास्ट आउट हो चुका है, तो इसके बारे में वो क्या कहे आप देखिए। हेलो अश्निल सर, मैं मिथ पैक बात कर रहा हूँ, इंडिया का टॉप पॉडकास्ट स्पॉटिफाई ओरिजिनल मिथ पैक के आया है, टॉप पॉडकास्ट है मेरा, टॉप है, हाँ सबसे टॉप पे है। आप करोगे मेरे साथ पॉडकास्ट? बस मुझे ना टॉप से फर्क नहीं पड़ता, मैं जितना टॉप पे हूँ ना उतना तो टॉप पे है ही नहीं, तेरा टॉप निकाल दू। ऑल्सो आपने ट्विटर पर एक ट्वीट किए, इज इंस्टाग्राम डाउन, आई डिड माई फर्स्ट Q&A एंड इंस्टाग्राम सर्वर्स कुड नॉट हैंडल मिथ पैक पावर। तो शायद से कल इंस्टाग्राम डाउन हो गया था, तो इसी के नीचे किसी ने कमेंट किया था, व्हेन यू आर डूइंग कोलैब विद मिस्टर बीस्ट, तो उसका मिथ पैक रिप्लाई दिए आस्क मिस्टर बीस्ट। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले वो मिस्टर बीस्ट को रिक्वेस्ट भी किए थे कि उनके जो हिंदी वीडियोज आने वाले इंडिया में उसको मिथ पैक डब करना चाहते। यस अभी तक मिस्टर बीस्ट उस ट्वीट का रिप्लाई तो नहीं किया, लेकिन क्या पता अंदर ही अंदर उनका बात हो रहा होगा, पता नहीं। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, रोहन करियापा के बारे में। तो इनका एक चैनल है नॉट फनी रोहन करके, उनका एक सीरीज चलता है नॉर्मीज रिएक्ट करके। तो एमयू बंटा जो कुछ टाइम पहले एक डिस्ट्रैक्ट रिलीज किए थे रफ्तार एंड कृष्णा के अगेंस्ट में चुसंबा, उसको लेकर जो वहां पर एक वीडियो अपलोड किया गया था, बेसिकली यही बताया गया था कि इतने गाली क्यों है उस डिस्ट्रैक्ट में, एंड थोड़ा बहुत ट्रोल किया गया था एमयू बंटा के डिस्ट्रैक्ट के ऊपर। तो उस चीज के वजह से जो उनको कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ गया। यस वो एक स्टोरी पोस्ट के जहां पर वो लिखे गॉट कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन माय रीसेंट एमयू बंटा रिएक्शन वीडियो, दिस डिस्ट्रैक्ट हैज 1000 कर्सेस एंड दे थॉट आवर रिएक्शन वाज ऑफेंसिव। यहां पर आप देख सकते हो जिसने कॉपीराइट स्ट्राइक दिया वो है बिलीव म्यूजिक, एंड अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे बिलीव म्यूजिक कॉपीराइट स्ट्राइक, बेसिकली वहां पर बताया गया है कि वो जो है फेक स्ट्राइक्स रहते हैं। अब पता नहीं एमयू बंटा ने स्ट्राइक दिया या फिर किसी और ने, आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात कीजिए, आशीष विद्यार्थी व्लॉग्स के बारे में। तो आपको पता होगा ये रिसेंटली मिले थे सौरभ जोशी से, एंड सौरभ जोशी ने तो उसके नेक्स्ट डे ही व्लॉग अपलोड कर दिया था, बट आशीष विद्यार्थी जी ने व्लॉग अपलोड नहीं किया था सौरभ जोशी के साथ का, बट वो व्लॉग जो है फाइनली आउट हो चुका आशीष विद्यार्थी व्लॉग्स के चैनल पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा जाके देख सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात कीजिए, डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे के बारे में। आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं। तो ये जो है राज्यसभा के मेंबर है, तो रिसेंटली इन्होंने ई स्पोर्ट्स को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए ऐसा करके जो उन्होंने राज्यसभा में बोला था। यस jamwire.gg के इंस्टाग्राम पेज पर ये अपलोड हुआ है, मैं वो वाला क्लिप आपको दिखाता हूं वो क्या कहे ई स्पोर्ट्स को लेकर। सब्जेक्ट एज स्पेशल मेंशन ऑन द टेबल ऑफ द हाउस व्हिच इज अबाउट डेवलपिंग ए प्रूडेंट इकोसिस्टम फॉर ई स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग लीगली परमिसिबल ई गेमिंग। This has earlier also been mentioned over here, but I would like to draw the attention of the House to the fact that out of the 8 games that are medal sports in the Asian Games 2022, 2 are banned in India by the Ministry of Electronics and Information Technology due to data pilferage concerns. What is required is to have a more holistic outlook towards e-sports and gaming, and in that regard, there has to be some efforts on the part of the government to ensure that India's flag is represented and players are selected for these tournaments in fair and transparent manner. I request that wider concentrations need to be held to develop a prudent e-sports ecosystem in India to further economic growth as well as job creations. Thank you. तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं पायल जोन के बारे में। तो पायल जोन जो है कुछ स्टोरीज पोस्ट की थी, आपको पता होगा वो 2 दिन से वीडियोस भी अपलोड नहीं कर रही। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि पायल जोन जो है स्टोरीज पोस्ट की थी जहां पर वो बताई थी कि वो जो है क्विट कर रही है। अब पता नहीं वो क्या बोल रही थी, वो यूट्यूब क्विट कर रही थी या फिर वो जो जिस टाइप के वीडियोज बनाती है वो बनाना छोड़ रही है, वो तो मुझे पता नहीं था, लेकिन वो जो 2 दिन से वीडियोज अपलोड नहीं की। फिर वो एक और स्टोरी पोस्ट की जहां पर लिखी आई नेवर वॉन्टेड टू हर्ट एनी वन विथ माई वीडियोज बट आई नो आई डिड दिस सो आई एम सॉरी आई विल नेवर कम बैक ऑन यूट्यूब सॉरी एवरी वन कीप स्माइलिंग आई जस्ट वॉन्ट टू एंड माई लाइफ Nobody understands what I am feeling right now. I don't know भाई यहाँ पर क्या चल रहा है। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं धीरज के बारे में, जो कि अमित बनाना के मैनेजर है। वो लिखे To all creators, you are not just a creator. You are inspiration to all your audience. आप लोग इनको हंसाते भी हो, रुलाते भी हो, आप इनको लाइफ में कुछ करने में मोटिवेट भी करते हो। आप अच्छा सिखाओगे तो ये अच्छा सीखेंगे, और कुछ बुरा सिखाओगे तो ये बुरा भी सीखेंगे। नैनो टू मैक्रो क्रिएटर्स, आपका मजाक भी एक सॉफ्ट इन्फ्लुएंस साबित होता है। वो बुरा हो या अच्छा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। आप चाहे किसी से नंबर में छोटे हो या बड़े, जो क्रिएटर कम्युनिटी और सोसाइटी में कुछ ना समझी में गलती कर देते हैं तो उसका साथ ना दे, उल्टा आप समझाए शर्माए नहीं। अभी आप लोग अगर समझ गए यहाँ पर वो किसके बारे में बात कर रहे, तो ठीक है, अगर नहीं समझे तो मतलब मैं क्या बोलूँ यार। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे, अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में।